नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर कोडिंग पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है ग्राफ का ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो ग्राफ में ना दो तरीके से ट्रैवर्सल किया जा सकता है, एक है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, दूसरा है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, जैसे कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का पाथ निकालो, ऑल पाथ निकालो या हैमिल्टोनियन पाथ निकालो, तो वो सब ना डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल है। और ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल है जो है ना, वो हमने ट्री के लेवल ऑर्डर की तरह है, ट्री में जो लेवल ऑर्डर प्रिंटिंग किया था वो ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल की तरह ही होता है। उसमें हमने क्या यूज किया था, उसमें यूज किया था हमने क्यूज डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसके वजह से हम बीएफटी में भी क्यूज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब हम ना इस सवाल में एक मंत्र लिखेंगे ताकि ये सवाल जल्दी से हल हो जाए। तो ये मंत्र कुछ इस तरीके से है, वो है आर एम स्टार डब्ल्यू और ए स्टार, ठीक है जी। इस मंत्र को याद रखेगा, मैं इसको आगे जरूर समझा दूंगा, ठीक है। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले एक सोर्स वर्टेक्स दिया जाएगा, मैं मानता हूं वो दो है, ठीक है। तो आते ही सबसे पहला काम आपका ये होगा, इसके इस सोर्स वर्टेक्स को आपको आपके क्यू में ऐड कराना है, और उसके बाद उस वर्टेक्स तक का पाथ, तो फिलहाल के लिए तो वो टू ही है ना। अब मेरे क्यू में एक एलिमेंट पड़ा है, वो एलिमेंट ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट पे इस मंत्र को चलाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा मंत्र कहता है रिमूव कर दो इसे, क्यू वाले एलिमेंट को, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। इसे एम स्टार, एम स्टार का क्या मतलब, एम स्टार का मतलब है ये जो वर्टेक्स है टू, इसे मार्क कीजिए। एम का मतलब है मार्क, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का ये मतलब है कि भैया अगर ये पहले से विजिटेड है, ये जो वर्टेक्स है अगर ये पहले से विजिट होता तो अगले ये दो स्टेप नहीं चलाना, हम सीधा आर चलाते। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये वर्टेक्स पहले से विजिटेड नहीं था, हम अब जाके इसे विजिटेड करके कर दिया है हमने, इसके वजह से हम अब डब्ल्यू चला पाएंगे, ठीक है जी। अब डब्ल्यू चलाएंगे, इसका वर्क क्या होगा, सीधे हमें क्या चाहिए, प्रिंट कराना है सोर्स को और उधर तक के पाथ को, तो ये मैंने प्रिंट कराया। फिर हम करेंगे इसके नेबर्स को ऐड, ए का मतलब है ऐड, ऐड किसे, इसके नेबर्स को, तो दो के नेबर कौन बनेंगे, वन थ्री, ठीक है जी। फिर वन और थ्री को ऐड कराएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी ऐड स्टार लिखा है, ऐड स्टार का ये मतलब है कि भैया अगर ये जो इसके जो नेबर्स है अगर ये पहले से विजिटेड हो तो ये क्यू में पुश नहीं होंगे। लेकिन क्या ये वन पहले से विजिटेड है, अगर विजिटेड होता तो इस पे टिक होता, लेकिन क्या आपको यहाँ पे टिक दिख रहा है, नहीं, तो इसके वजह से मैं इसे ऐड कर पाऊंगा। तो मैंने वन क्यू में ऐड कर दिया, उसके साथ ऐड कर दूंगा पाथ में भी उसे। फिर थ्री भी अपने नेबर में आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फिर मेरा पाथ। फिर ये देखिए, सबसे पहले तो ना इस प्रश्न में आपको क्यू को विजुलाइज करना पड़ेगा। क्यू कैसे चलेगा, क्यू इस तरीके से कुछ चलेगा, ये देखिए, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट हटा, फिर फ्रंट पे ये आ जाएगा, है ना। क्यू कुछ जिगजैग वे में चलता है, क्यू ना जिगजैग तरीके से चलता है, इसके वजह से अभी फिलहाल के लिए फ्रंट पे ये था, अब क्यू के फ्रंट पे ये आ जाएगा, तो इसके वजह से हम अब इसके ऊपर मंत्र चलाएंगे, इस वाले वर्टेक्स पे। तो मंत्र कहता है सबसे पहले रिमूव कर दो मार्क स्टार, तो अब क्या इस पे पहले से मार्क है, नहीं, तो मार्क कर दो। अब हमने मार्क खुद से किया है, इसके वजह से अब हम डब्ल्यू चलाएंगे, डब्ल्यू चलाएंगे, इसका क्या मतलब है, वर्क। अब इसके ऊपर वर्क का क्या मतलब है, बस प्रिंट कराना सोर्स को और उधर तक के पाथ को। फिर ऐड कराना किसके नेबर्स को, इस वन के नेबर को, वन का नेबर जीरो और टू है, जीरो, तो इसका पाथ बन जाएगा ये। फिर मैंने टू को ऐड कराया, लेकिन क्या टू ऐड हो पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके नेबर देखिए, इसका जो नेबर है पहले से विजिटेड था, इसके वजह से मैं इस टू को ऐड नहीं कर पाऊंगा, समझे। तो ये स्टार का मतलब आप बेशक समझे होंगे, क्या अगर यहाँ पे स्टार है तब आप ये देखोगे कि क्या इसके नेबर पहले से विजिटेड है, अगर पहले से, जैसे कि टू, टू तो पहले से विजिटेड था, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसे ऐड नहीं करना, जो अनविजिटेड है
जो अनमार्क्ड है उसे ऐड कराना है, तो इसके वजह से मैं बस जीरो को ऐड कराऊंगा। ठीक है, अब इसका काम तो हो गया। अब क्यू आगे बढ़ेगा, क्यू के फ्रंट पे थ्री आ जाएगा, थ्री पे मंत्र चलेगा, थ्री क्या करेगा रिमूव हो जाएगा, मार्क करेगा किसे, खुद को मार्क करवाएगा, फिर वर्क करेगा, इसका वर्क ये हो जाएगा, फिर ऐड करवाएगा अपने नेबर्स को, थ्री के नेबर्स को, जीरो टू और फोर। अब जीरो टू और फोर में से मार्क चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो है ना वो ऐड स्टार है, तो टू पहले से मार्क थे तो इसे ऐड नहीं कर पाएंगे, जीरो और फोर को ऐड कर पाएंगे। तो जीरो को ऐड कराया, इसका पाथ बन गया टू थ्री जीरो, फोर को ऐड कराया, इसका पाथ बन जाएगा टू थ्री फोर। तो यहाँ पे जीरो ना दो बार ऐड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि भैया जीरो के लिए ना, जीरो तक पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते थे, दो से आप एक से भी जा सकते हो, दो से आप तीन पे जाओ और फिर शून्य पे जाओ। इसका क्या मतलब है, जीरो पे जाने का ये एक रास्ता था और ये भी एक रास्ता था, और जब आप वन पे थे ना तो वन पे आपने जीरो को ऐड तो किया लेकिन उसे मार्क नहीं किया था, है ना, आपने उस पे विजिट थोड़ी मारा, अब तक विजिट तो आपने वन के बाद सीधे थ्री पे मारा, इसके वजह से ये अनमार्क्ड ही रहा, इसके वजह से ये थ्री को चांस मिला, हाँ भाई ये तो अनमार्क्ड है तो मैं जल्दी ले लूंगा, इसके वजह से ये जीरो भी ऐड हुआ। और एक और चीज, बीएफटी जो ना वो रेडियस पे ग्रो करता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखिए दो, दो से एक दूरी वाले, एक और तीन कौन से लेवल पे है, यहाँ पे इस लेवल पे देखिए, लेवल टू पे एक और तीन, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक एक। फिर दो से दो दूरी वाले, एक तो एक शून्य, शून्य दो बार आया, एक चार भी है, है ना, चार नोड, एक दो, दो दूरी वाले। फिर यहाँ से दूरी कितना हो गया, यहाँ पे दूरी था वन, यहाँ पे दूरी हो गया टू, ऐसे ही जैसे ही लेवल बढ़ता है ना ये दूरी भी बढ़ती जाएगी, जैसे लेवल बढ़ता है वैसे हमारी ये जो दूरी है ना नोड्स के बीच की और ओरिजिनल सोर्स की, वो दूरी बढ़ती जाएगी, इसके वजह से हम कहते हैं इसे रेडियस पे ये ग्रो करता है। ठीक है जी, अब आगे हमने इसके नेबर को ऐड कर दिया, इसका काम हो गया। अब मेरे फ्रेंड पे जीरो आ गया, अब मैं जीरो के नेबर को ऐड करूंगा, जीरो के नेबर्स क्या है, वन और थ्री जो पहले से विजिटेड है, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, आते ही इस पे मंत्र चलाना है, रिमूव करना है, मार्क करना है, एम स्टार का क्या मतलब है कि क्या वो पहले से मार्क्ड है, नहीं मार्क नहीं है तो मार्क करो, तो मार्क कर दिया। फिर मैं वर्क करूंगा, वर्क क्या है, जीरो एट द रेट 210, है ना। फिर एड स्टार, एड स्टार का मतलब है क्या जीरो के नेबरिंग में कोई अनमार्क्ड है, नहीं कोई भी अनमार्क नहीं है, तो फिर भाई कुछ भी मत करो, सीधे आगे चले जाओ। ठीक है जी, फिर मेरे क्योंकि फ्रंट में ये आ गया, फिर मंत्र कहता है पहले रिमूव कर दो। अब देखिए, अब इसका पता आपको चल जाएगा एम स्टार का, क्या जीरो देखिए पहले से विजिटेड है, इसका क्या मतलब है, ये तो पहले से मार्क्ड है ना। तब मैंने क्या कहा था कि आप डब्ल्यू और ए को मत चलाना, सीधे आर को चलाना, इसके वजह से हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे और इस वाले नोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, इसको मैंने रिमूव कर दिया, फोर्थ वाले को मार्क कर दिया, मार्क नहीं था इसलिए मार्क किया, अब हमने मार्क किया इसलिए अब डब्ल्यू भी करेंगे, डब्ल्यू का क्या मतलब है वर्क, फिर इस पे वर्क करेंगे जो है फोर एट द रेट थ्री फोर। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके नेबर को ऐड करेंगे, फोर के नेबर थ्री फाइव और सिक्स, थ्री तो पहले से विजिटेड है लेकिन फाइव और सिक्स नहीं है, तो हम फाइव को ऐड कराएंगे, इसका पाथ ये बन जाएगा, सिक्स को ऐड कराएंगे इसका पाथ ये बन जाएगा। फिर अब हमने इसका काम कर दिया, इसके नेबर ऐड हो गए, फिर मेरे क्यू के फ्रंट में ये आ गया, ये वाला एलिमेंट, अब इस पे हम मंत्र चलाएंगे, रिमूव कर दिया, मार्क कर दिया, वर्क इसका वर्क ये है, फिर ऐड कर देंगे इसके नेबर को, इसका नेबर है फोर और सिक्स, फोर तो पहले से विजिटेड है तो बस सिक्स को ऐड कीजिए, तो बस मैंने सिक्स को ऐड कर दिया। अब क्यू के फ्रंट में सिक्स आ जाएगा, तब सिक्स पे हम जब ये मंत्र चलाएंगे वो हो जाएगा रिमूव, वो हो जाएगा मार्क, उसके ऊपर करेंगे वर्क,
वर्क क्या है, 2, 3, 4, 6, उसके बाद उसके नेबर को ऐड, इसका नेबर कौन है, 5 और 4, वो तो पहले से विजिटेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसे ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा क्यू का फ्रंट ये बन जाएगा 6। अब इसके ऊपर मंत्र चलाएंगे, इसके ऊपर मंत्र क्या कहता है, रिमूव हो जा, तो हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद ये कहता है मार्क करो, भैया 6 तो पहले से मार्क्ड है, तो क्या मैं ये डब्ल्यू आर ए चला पाऊंगा, नहीं, तो ये फिर से रिटर्न लेगा, लेकिन जब ये रिटर्न लेगा ना तो ये क्या देखेगा कि क्यू की साइज 0 हो चुकी है, क्यू डॉट साइज, अगर आपके क्यू की साइज इक्वल टू 0 हो जाती है तब आप इस लूप को टर्मिनेट कर पाओगे, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको ये सब प्रिंट कराना है, तो आइए कॉल करते हैं, ठीक है। तो आपको ना एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप एक साथ दो चीजें स्टोर कराने जा रहे हो, वो है सोर्स और उसके साथ उसका पाथ, उधर तक का पाथ भी ले रहे थे, सेल्फ कॉमा सोर्स कॉमा पाथ सो फार, है ना, फिर सेल्फ डॉट सोर्स इक्वल टू सोर्स, फिर सेल्फ डॉट पीएसएफ इक्वल टू पीएसएफ कर दिया जी, ठीक है, ये मैंने अपना क्लास बना दिया, फिर पेयर नाम, फिर मुझे एक विजिटेड नाम का लिस्ट भी चाहिए जिसमें सब शुरुआती फॉल्स हो, कहां तक, फॉर आई इन रेंज ऑफ वर्टाइसेस जितना, ठीक है जी, वर्टाइसेस जितने विजिटेड का लिस्ट बनना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे क्यू भी चाहिए ना, तो पाइथन में क्यू इस तरीके से बनता है, ये देखिए क्यू इक्वल टू ठीक है जी, ये क्यू नाम का क्यू मैंने बना दिया है, ये बस नेम है इसका क्यू का, ठीक है। फिर आते ही सबसे पहला काम क्या था, सोर्स और सोर्स तक का पाथ मुझे ऐड कराना है क्यू में, ठीक है। आते ही मैं क्या करूंगा, एक पेयर बना लूंगा, कौन से, किस किस का पेयर, एक सोर्स का और एक सोर्स तक का। अब मैंने ये क्या लिखा, str of source, देखिए सोर्स ना, सोर्स तो एक इंटीजर है, तो उसे हमें पाथ, पाथ सो फार क्या था, वो एक स्ट्रिंग था, है ना, तो अगर तुम्हें कुछ ऐड कराना है स्ट्रिंग में या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और पाइथन में टाइप कास्टिंग इस तरीके से की जाती है, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, क्यू डॉट पुट, पुट ऑफ पी, तो मैंने उस पेयर को क्यू में पुट कर दिया, फिर मैंने लूप चलाया, कब तक मैंने लूप चलाया, क्यू डॉट क्यू साइज जब तक वो बड़ा है 0 से, है ना, तब तक मुझे वाइल लूप चलाना था। फिर मैं यहाँ पे अपना मंत्र लिखता हूँ जी, मंत्र क्या था, आर स्टार वर्क करो और ऐड कर दो अपने नेबर को जो अनविजिटेड है, ठीक है जी। फिर आते ही मैं क्या करता था, मैं वैल्यू को एक्सेस करता था जो फ्रंट पे थे, एक्सेस करके निकाल देता था, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, क्यू डॉट गेट, ठीक है, इस फंक्शन से जो फ्रंट वाला एलिमेंट है, फ्रंट वाला क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो हम एक्सेस भी कर पाते हैं और उसे निकाल भी पाते हैं, ठीक है जी। क्यू डॉट गेट वो फंक्शन है, फिर रिमूव का काम तो हो गया, फिर मेरा काम था मार्क स्टार, फिर मैं पहले चेक करता था कि क्या विजिटेड ऑफ कैन डॉट एस आर सी इक्वल टू ट्रू है, अगर ये पहले से ट्रू है तो मेरा काम क्या था, सीधा वापस लौट के आर को चलाना, है ना, मैं डब्ल्यू आर, अगर वो ट्रू होता तो मैं डब्ल्यू और एस स्टार नहीं चला रहा था, तो ये कंटिन्यू क्या करता है, नीचे का, इसके नीचे का पूरा कोड डिस्कार्ड करके सीधा लूप में वापस चला जाएगा, है ना। अब अगर वैसा नहीं है, अगर वो फॉल्स होगा तो भाई आते ही सबसे पहला काम उसे ट्रू कराना, ठीक है।
मैंने उसका ट्रू तो कराया, फिर उसके ऊपर काम क्या करना था, मुझे प्रिंट करना था सोर्स को, वैल डॉट सोर्स को। अब इसके साथ मैं एक और लाइन लिखता हूँ, वो मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा। बीच में एट द रेट चाहिए था, ठीक है जी। ये एंड क्या करता है ना, ये देखिए पाइथन में ना, अगर आप कोई चीज प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको कैसा चाहिए था, टू एट द रेट टू। लेकिन अगर आप एक साथ ही सब कुछ लिख दोगे तो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट न्यू लाइन पे लाता है, तो ये ऐसे होता। तो ये न्यू लाइन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे वेल डॉट सोर्स के आगे यहाँ पे एंड इक्वल टू ये कोड लगा दिए, इसके वजह से ये न्यू लाइन नहीं होगा। फिर एट द रेट के आगे भी एंड इक्वल टू कोड लगा दिए, तो ये एट द रेट के आगे भी न्यू लाइन नहीं होगा और ये सीधा इसके आगे प्रिंट हो जाएगा। मुझे यही तो चाहिए था प्रिंट कराना। फिर चाहे वैल डॉट पी एस एफ के आगे एक न्यू लाइन आ जाए, चल जाएगा मुझे, क्योंकि वो अगले वाले सोर्स को नीचे प्रिंट कराएगा, है ना। फिर मैंने प्रिंट वर्क कर दिया। अब उसके नेबर को ऐड कराना, उसके नेबर कैसे ऐड होंगे, फॉर ई इन, फिर मैंने ग्राफ के वैल डॉट सोर्स को एक्सेस कर लिया ई में, है ना। फिर मैं चेक करता हूं क्या विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर इक्वल टू फॉल्स है, तभी जाके मैं उस पर कॉल लगाता था। कॉल लगाना मतलब मैं उस वैल्यू को, उसके नेबर को क्यू में पुश कराता था। क्यू में पुश इस तरीके से करना पड़ेगा मुझे, पहले पेयर बनाओ, ठीक है। पेयर में मैं डालूंगा ई डॉट एन बी आर को और उसके साथ वेल डॉट पी एस एफ प्लस एस टी आर ऑफ प्लस एस टी आर ऑफ ई डॉट नेबर को, ठीक है जी। फिर मैंने ये ऐड कर दिया अपने पार्ट में उस नेबर को भी। फिर मैं करता हूँ q डॉट पुट ऑफ p1, ठीक है जी। अब ये कोड पूरा हो चुका है, ये रन करके देखते हैं कि क्या कोई गलती है। हाँ जी, ये जो q डॉट साइज जो है ना, वो फंक्शन था, है ना, वो तो एक फंक्शन है। फिर जी एक्सेप्ट हो चुका है कोड, हमें पाथ मिल रहे हैं। अब देखिए सबमिट करते हैं कि क्या टेस्ट केसेस चलते हैं। जी हाँ, टेस्ट केसेस चल चुके हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।